तो चलिए बात करते हैं भारत की खूबसूरत जगहों में से एक, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो करीब 905 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमालय की सुंदरता और वहां के जीवन का एक जीवित भंडार है। 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इन्हें जगह मिल गई। पूरा पार्क 4 अलग अलग घाटियों में फैला हुआ है। भारत के दुर्लभ पौधों का 50% और दुनिया का 10% दुर्लभ पौधे एक अकेले इस पार्क में ही आए हुए हैं। इसके अलावा नंदा देवी की तरह यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड और कस्तूरी मृग का भी निवास है। यदि आप इस पहाड़ में दूर तक जाने की तैयारी रखते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ये पहाड़ बकरियों और अन्य हिमालयी जीवों का भी घर है। अगर हम प्रजाति को गिनने जाए तो 1000 से भी ज़्यादा प्रजाति यहाँ रहती है। भारत में हिमाचल में सबसे ज़्यादा दवा की कंपनी आई है, क्योंकि दवाई के लिए ज़रूरी पौधे यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। कई औषधि के पौधे इस पार्क के निवासी हैं। गर्मियों में कई ट्रेकर्स यहाँ ट्रेकिंग के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह ट्रेकिंग के लिए बड़ी खूबसूरत है, और साहसी सर्दियों में भी ट्रेकिंग के लिए आते हैं। पार्क 2000 मीटर से 6000 मीटर तक फैला हुआ है। कई नदियों की जड़ें भी यहाँ से निकलती है, और हिम नदियों का तो पार ही नहीं है। पूरा क्षेत्र तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य और संघ वन्यजीव अभ्यारण्य का घर है। आसपास में अन्य आरक्षित वन क्षेत्र भी है, जो हर जगह जंगल ही मंगल है। अब बात करते हैं यहाँ देखने के लिए और करने के लिए क्या क्या है। यहाँ पे मल्टी डे ट्रैकिंग, एक दिन के लिए हाइकिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, नाइट अंडर द स्काई, वाइल्ड लाइफ टूर, हिमालयन कल्चर टूर, ये सब आपको करने के लिए मिल सकता है। अगर आपको प्रकृति देखना बहुत पसंद है तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर जाना, कि यहाँ पे आपको प्रकृति के नज़ारे तो देखने मिलेंगे ही, साथ में स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, हिमालयन बकरियाँ और कहीं परिंदे भी देखने मिलेंगे। तो जो प्रकृति का शौकीन है उनके लिए ये जगह बेस्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुल्लू मनाली के पर्यटक आते हैं, क्योंकि कुल्लू यहाँ से करीब 50 किलोमीटर ही दूर आया है। तो आपको भी जाना है तो आप भी कुल्लू तक आ सकते हैं और वहाँ से यहाँ सरलता से पहुँच जाएंगे। आप दिल्ली भी प्लेन या ट्रेन से जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे कौन से टाइम पे जाना चाहिए? आपको यहाँ पे अप्रैल, मई या जून में जाना चाहिए, या तो फिर अक्टूबर या नवंबर के महीने में जाना चाहिए। अक्टूबर और नवंबर बारिश के बाद के महीने हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके बाद प्रकृति का बहुत सारा आनंद ले सकते हैं। बात करते हैं आप कहाँ पर रह सकते हैं। पार्क के अंदर कोई भी होटल आया हुआ नहीं है। अगर आपको पार्क के अंदर रुकना है तो आपको टेंट लगा कर ही रुकना पड़ेगा, या तो फिर पार्क के बाहर आसपास के होटल है वहाँ पे आप रुक सकते हैं, लेकिन पार्क के अंदर कोई होटल अवेलेबल नहीं है। अगर आपको तारों को देखना पसंद है तो आपको यहाँ पे टेंट लगा कर एक रात के लिए ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको तारों से भरे आसमान के खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे। ये जंगल प्रकृति का आनंद लेने के लिए और समझने के लिए सबसे अच्छी जगह है, तो जिसे प्रकृति देखना पसंद है वो यहाँ ज़रूर और ज़रूर जाए। इतनी खूबसूरत जगह है तभी तो इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये भारत देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक था, जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था। आपको प्रकृति देखना पसंद है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।